अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम बिनते सलमान सैयद है और आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उस पर बहुत ज़्यादा बातें चल रही है जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो मैं पहले से ये बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ पर बात करने से पहले वो चीज़ क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस चीज़ पर रिसर्च कर कर बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, जिसे यूसीसी भी बोलते हैं। तो इजी अल्फाज में बताओ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा बिल है जिसके पास होने पर पूरी कंट्री में जो है एक ही लॉ अप्लाई होगा, जो ना कोई रिलीजन से जुड़ा होगा, ना कोई ट्राइबल कम्युनिटी, ना कोई कल्चर और ना किसी के ट्रेडिशन से जुड़ा होगा और ना किसी के पर्सनल बिलीफ से जुड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल डिवोर्स, मैरिज और अडोप्शन, प्रॉपर्टी और भी मसले हैं, तो ये सारी चीज़ों में जो है एक ही लॉ अप्लाई होगा और सबको वही फॉलो करना होगा। तो ये था यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिस्ट्री क्या है। तो 1947 से ही यूसीसी से रिलेटेड जो है वो बातें स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन उस टाइम पर चैलेंज ये आ रहा था कि इंडिया जो है वो एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, यहाँ पर हर रिलीजन के लोग रहते हैं और उनका अपना बिलीव है, उनका अपना कल्चर है और जिसको लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, और इसलिए उस टाइम पर यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना एक चैलेंज जैसा हो गया था। आफ्टर 1947 इंडिपेंडेंस के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने सेक्युलरिज्म को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए एक सोल्यूशन सामने रखा। उन्होंने कहा कि जो लोगों की जर्नल एस्पेक्ट हो गए उसमें जो है वो सिविल लॉ अप्लाई होगा और जो रिलीजन से जुड़ी हुई चीज़ें होगी उसमें उनका पर्सनल लॉ अप्लाई होगा। उस टाइम यूसीसी को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिसीज में रख दिया गया कि आगे फ्यूचर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये थी यूसीसी की हिस्ट्री। अब प्रेजेंट यूसीसी को लेकर गोल्स क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो देखते हैं। 2017 में जो ट्रिपल तलाक बैन हुआ उसके बाद ये बातें सामने आई कि कंट्री में जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अभी जो रिसेंटली हिजाब का मसला हुआ था कर्नाटक में, उसके बाद भी ये बात सामने आई कि कंट्री में यूसीसी होना चाहिए। मैं आपको पहले पॉइंट में बताई हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के गोल्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल सारी कंट्री में एक ही लॉ होगा जो हर किसी को फॉलो करना होगा और वो कोई भी रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं होगा। मैंने ऐसे कई वीडियोस देखी हूँ जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद मुस्लिम्स को जो है वो बहुत फ़ायदा होगा, स्पेशली जो मुस्लिम औरतें हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस पर तो इंशाल्लाह आगे मैं बात करूंगी, पहले फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट है चैलेंजेस ऑफ यूसीसी, इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल? यूसीसी को अप्लाई करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है, काफ़ी चैलेंजेस है इसमें रिलीजियस और फाइनेंशियल एस्पेक्ट दोनों में। तो यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पास्ट में क्या चैलेंजेस आए और अभी क्या चैलेंजेस है वो देखते हैं। तो 1947 के बाद कई बड़े बड़े लोगों ने, फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में जो है ये प्रपोज किया कि हिंदू पर्सनल लॉ जो है उसमें औरतों को, जो हिंदू औरतें हैं उनको इक्वल राइट्स नहीं है, तो उन्होंने उसको थोड़ा मॉडिफाई करके हिंदू कोर्ट बिल जो है वो प्रपोज किया। इससे उनको इतना ज़्यादा हेट मिला कि उनको बैक ऑफ करना पड़ा। देन अगेन 1951 में डॉक्टर अम्बेडकर और नेहरू जी ने इसमें मिलकर कुछ चेंजेस किए और ये बिल को जो है वो तीन हिस्सों में स्प्लिट किया और फिर प्रपोज किया, लेकिन अगेन उनको इतना ज़्यादा प्रेशर और हेट मिला कि फिर बैक ऑफ करना पड़ा। इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ये कहा कि इस बिल को जो है वो पार्टी के मैनिफेस्टो में रखो और वोटर्स को डिसाइड करने दो। कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी कि डॉक्टर अंबेडकर को लॉ मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ा। फिर 1955 में नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल जो है उसमें फिर से चेंजेस करके फिर से प्रपोज किया। उस पर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि ऐसा ना हो कि हिंदू कोड बिल जो है उसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड ना बना दिया जाए। एक चैलेंज ये भी था कि उस टाइम पर कहा गया था कि जो पारसी है, मुस्लिम्स है और ज्यूज़ है, क्रिश्चियंस है, इनको छोड़कर बाकी जो है वो सारे हिंदू है। तो उस टाइम पर सिख खड़े हो गए थे कि हम जो है वो खुद को हिंदू कंसिडर नहीं करते। नेहरू जी ये समझ गए थे कि हिंदू लॉ को मॉडिफाई करने में जब इतने चैलेंजेस आ रहे हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो अपने आप में ही इतना ज़्यादा सेंसिटिव इशू है उसको पूरी तरीके से कैंसिल करके यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे बनाएंगे। तो ये पास्ट के चैलेंजेस थे। अब करंट चैलेंजेस देखते क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिख जो है वो अपने आप को हिंदू कंसिडर नहीं करते, वैसे ही क्रिश्चियंस जो है और मुस्लिम है, हिंदू है, इनके अपने बिलीफ है, इनका अपना कल्चर है और अपना अपना ट्रेडिशन है जिस पर लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। हिंदुओं में एक सेक्ट ऐसा है जहाँ पर वो बिलीव करते हैं कि दूर के रिश्तों में शादी हो सकती है, लेकिन एक सेक्ट ऐसा है जहाँ पर वो बिलीव करते हैं कि फादर की तरफ से 7 रिलेशनशिप और मदर की तरफ से 5 रिलेशनशिप तक शादी नहीं हो सकती।
तो ये आपस में ही काफ़ी डाइवर्स है। फिर आप देखेंगे तो शादी करने का तरीका लोगों का अलग है, मुस्लिम्स का, हिंदुओं का, क्रिश्चियंस का, सबका तरीका अपना अपना होता है। एक और फैक्ट है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया है, जिसे कोर्ट मैरिज कहते हैं, जो प्योरली सेक्युलर लॉ है, कोई भी रिलीजियस से और कोई भी कल्चर से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि इसको कितने लोग अवेल करते हैं, और कितने लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन के हिसाब से जो शादी है वो बाद में, पहले हम कोर्ट मैरिज करेंगे। हर कोई जो है वो अपने बिलीव और अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से ही शादी करता है। एक और पॉइंट है, अगर आप देखोगे मेघालय में एक कम्युनिटी है गैलोस नाम की, वहाँ पर ऐसा बिलीव करते हैं और उनका ये रिचुअल है कि जो फैमिली का एसेट है वो फैमिली की जो यंगर डॉटर रहती है उस पर उसको मिलना चाहिए, और ये चीज़ पर वहाँ के जो मर्द है वो भी अग्री करते हैं। तो क्या यूसीसी आने के बाद उनको फोर्स किया जाएगा उनका रिचुअल बदलने पर? और आज जो शादी की एज है इंडिया में वो 18 और 21 है, लेकिन आप देखोगे ओडिशा में जो है 62 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिसमें से 13 ग्रुप्स आज भी 15 to 19 ईयर्स में जो है वो शादी करा देते हैं। तो क्या यूसीसी आने के बाद पॉस्को एक्ट के अनुसार इनको चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस में जेल में डाल दिया जाएगा? अगर यूसीसी आता है तो क्या नॉन ब्राह्मण को पूजा करने की या पुजारी बनने की इजाज़त मिल जाएगी? और आज भी कई जगहों पर मंदिर जो है वहाँ पर औरतों को जाने की इजाज़त भी नहीं है, तो क्या उनको भी फोर्स किया जाएगा? क्या मुस्लिम औरतें जो है उनको मस्जिद में इमाम बनने की इजाज़त मिलेगी? एक पॉइंट ये भी है कि जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो शेड्यूल कास्ट का जो ओबीसी का कोटा होता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग पढ़ते लिखते हैं और कुछ बनते हैं, तो क्या वो कोटा भी हटा दिया जाएगा? तो अब देखते हैं इस्लाम जो है वो किस तरीके से हैंडल करता है रिलीजियस डाइवर्सिटी को। तो जब मदीना मॉडल हुआ करता था तो क्या वहाँ पर भी यूसीसी हुआ करता था या फिर वहाँ पर पर्सनल लॉ हुआ करता था? इस्लाम सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, वो एक वे ऑफ लाइफ है, और इसी बेसिस पे इस्लाम जो है वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि सारे लोग जो है वो एक ही रिलीजन या एक ही लॉ को फॉलो करें। तो जब मदीना मॉडल हुआ करता था तो जो क्रिश्चियंस थे, जूस थे और नॉन मुस्लिम्स थे, वहाँ पर उनको उनके रिलीजन को प्रैक्टिस करने की पूरी छूट दी गई थी, और यहाँ तक कि जो क्रिमिनल कोड जो था वो भी उन्हीं का था, उनके बिलीफ के हिसाब से, उनके रिलीजन के हिसाब से उनके फैसले होते थे। 1300 साल में अलग अलग रिलीजन के, अलग एथनीसिटी के और अलग अलग कल्चर के जो लोग हैं वो आपस में मिलकर रहते थे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अबू दाऊद की एक हदीस है 3041, उसमें आता है कि नारजान करके एक इलाका था, वहाँ से लोग आए हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वहाँ पर अपने दीन को प्रैक्टिस करने की पूरी इजाज़त दी गई। और अगर आप देखोगे पास में जो मुस्लिम्स रूल करते थे, तो जो नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे वो अपने हिसाब के कपड़े और अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर के हिसाब से चीज़ें करते थे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, लोग सेंचुरी से जो है ये चीज़ को विटनेस कर रहे हैं। ये एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है कि इस्लाम जो है वो पर्सनल बिलीफ को पूरी आज़ादी देता है। और मैं उलमा को बोलना चाहती हूँ कि आपने हमें ये तो बता दिया कि बरेलवी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, देवबंदी, कौन काफिर है कौन नहीं है, लेकिन आपने इसके ऊपर एक अल्फाज भी नहीं उठाया। जब भी आपके मकतबा फ़िक्र के इज्तिमा होते हैं तो वहाँ पर लाखों लोग होते हैं, तो क्या हम इस चीज़ के लिए यूनाइट नहीं हो सकते? आप लोगों को नहीं लगता कि आपके ऊपर उम्मत की जिम्मेदारी है? अब तो उम्मत भी आपसे बदजन हो गई है, क्योंकि आप लोग उम्मत के लिए आवाज़ ही नहीं उठा रहे। खैर, आप लोगों से ज़्यादा उम्मीदें है भी नहीं, क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है कि इन फिस अल्लाह फॉर हिज बिलीवर। लास्ट में मेरा कंक्लूजन ये है कि नंबर 1, मुझे समझ में नहीं आता कि इसका फ़ायदा क्या होगा। नंबर 2, मुस्लिम्स को तो छोड़िए, जो इंडिया के जो मेजॉरिटी सिटीजन्स है, जो नॉन मुस्लिम्स है, ये उन पर अप्लाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नंबर 3 जो है, जैसे इन्होंने यूसीसी और एनआरसी तो बिल तो पास कर दिया, लेकिन जिस तरीके से उसका आसाम में अप्लाई किया वो बहुत बड़ा फेलियर था। 5th, मुझे लगता है कि रियल इश्यूज़ जो है उससे हमारा ध्यान हटाया जा रहा है। तो आप बताइए कि ऐसे कितने इंडियंस हैं जो रोड पर निकल रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है? हाँ, लेकिन आप देखोगे जो फार्मर्स हैं और जो महंगाई है और जो एजुकेशन नहीं है, जॉब के लिए इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, ये सब के लिए आपको, आप लोग ने देखा होगा कि जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग और रोड पर निकल रहे हैं, लेकिन ये इश्यूज़ पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये कैसा लॉ है कि जो लोग मांग रहे हैं आप वो उनको देना नहीं चाहते, और जो लोग नहीं मांग रहे वो आप उनको फोर्सफुली दे रहे हो? तो ये बस मेरी थोड़ी सी रिसर्च थी, और ये वीडियो में अगर कुछ भी गलती है तो आप मुझे कभी भी बोल सकते हो, मैं मेरी इस्लाह के लिए हमेशा रेडी हूँ। बस जो अच्छी बात है वो अल्लाह रसूल की तरफ से, और जो बुरी बात है मेरी शैतान की तरफ से। बस जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।